डेली न्यूज ऑल द टाइम प्राइम टाइम। किसान आंदोलन में पूर्व कृषि मंत्री ने कलेक्टर को दी सख्त चेतावनी, कहा हमारे मुंह लगा तो भागने को नहीं मिलेगा रास्ता। अभी तो पहली बार चैलेंज दे रहा हूँ, यदि हमारे मुंह लगा गौरी सगर के मुंह लगा ना तो भागते रास्ता नहीं मिलेगी, भागते रास्ता। बालाघाट में आयोजित किसान आंदोलन में पूर्व कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने कलेक्टर दीपक आर्य को इशारों ही इशारों में जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कलेक्टर को चेतावनी भरे लहजे में, अरे सुन ले भैया कलेक्टर, तुम्हारे बराबर की तो मेरी बेटी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। पूर्व मंत्री ने इससे पहले कहा कि कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के होल्डिंग्स हटवाए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन होल्डिंग्स में कलेक्टर को हीना कावरे और जायसवाल की फोटो चाहिए थी। उन्होंने इसके अलावा कलेक्टर के प्रति एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हमारे मुंह लगा गौरी शंकर बिसेन के मुंह लगा तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। अरे सुन ले भैया कलेक्टर, तेरे बराबर की मुर्गी तो मेरी बेटी है बल्कि बड़ी है। अभी तो पहली बार चैलेंज दे रहा हूँ, यदि हमारे मुंह लगा और गौरी सगर के मुंह लगा ना तो भागते रास्ता नहीं मिलेगी, भागते रास्ता। हमारे कलेक्टर ने हमारे होल्डिंग में क्या दिया, बोले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उनका चेहरा होना, उनका छिंदड़ा वाले का, बोले उनका चेहरा होना लाजी वाली का, उनका चेहरा होना बैतूल वाले का, कहां का है पता नहीं, पटेल पटेल प्रभारी मंत्री, उनका चेहरा होना जिसका दवाई नहीं है, वो जायसवाल 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 का चेहरा होना, नहीं तो हमारी बहन हीना कावरे जी का चेहरा होना पर गौरी शंकर का नहीं होना। मुझे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मत सिखा, इसी स्थान पर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी ने, बहन लता एलकर जी उपस्थित है, उनके साथ में उन्हें हमने बुलाया और यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पहला विचार हुआ है, जिसको शिवराज जी सरकार ने बीजेपी की सरकार ने कानून का रूप दिया है। कानून बनाने वाले माननीय शिवराज यहाँ बैठे, वो हमको बताएगा कि गौरी शंकर ने होना, बाकी सब होता।